गुड आफ्टरनून, ये मेरा लेमन का प्लांट है और इसकी पत्तियाँ लगातार पीली पड़ती जा रही थी। हालांकि इसमें अभी भी काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं, काफ़ी मैंने निकाल भी दिए हैं, उसके बावजूद भी अभी इसमें फ्रूटिंग अवेलेबल है। लेकिन इसकी पत्तियाँ कुछ दिनों से लगातार पीली पड़ती जा रही थी और रोज़ ऐसे ही झड़ती जा रही थी, काफ़ी नंबर्स में पत्तियाँ झड़ती जा रही थी। तो आज मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है और मैंने कोशिश की है कि जहाँ पर डबल ब्रांचेज हैं, एक्चुअली इस पे इतने सारे पत्ते थे कि धूप नहीं पहुंच पाती थी, तो इस तरीके से चींटियाँ नमी वाली जगहों, नमी या जहाँ पर धूप नहीं पहुंच पाती थी वहाँ ऐसी चींटियाँ लगी रहती थी। तो ये दानों के पास भी चींटियाँ, हालांकि दानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, लेकिन दानों के पास भी चींटियाँ थी। तो मैंने सोचा कि इसके तने तक भी धूप पहुँचती रहे, इसलिए मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी। और प्रूनिंग मैंने ये बिल्कुल इस तरीके से कर दी है कि अब इसके सारी टहनियाँ अलग अलग दिख रही हैं। पहले इसकी टहनियों के अंदर ये फ्रूटिंग नहीं दिख पाती थी, पता नहीं चलता था कि इसमें कितने नींबू लगे हैं, लेकिन अब मैंने ये इस तरीके से प्रूनिंग कर दी है कि अंदर तक साफ साफ दिखाई दे रहा है। पता नहीं मैंने ये प्रूनिंग सही तरीके से की है, क्योंकि मैंने पहली बार प्रूनिंग की है और प्रूनिंग करते हुए मुझे काफ़ी कष्ट भी हो रहा था, मुझे लग रहा था पौधे को भी दर्द हो रहा होगा, लेकिन मैंने ये बुरी तरीके से नोच नोच करके इसकी पत्तियां हटा दी हैं। और मैंने सही किया है या नहीं किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये प्लांट कहीं मेरे इस तरीके से प्रूनिंग कर देने से मर तो नहीं जाएगा या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। मैंने इस तरीके से फ्रूट झड़ भी रहे थे, पत्तियाँ भी झड़ रही थी, इस वजह से मैंने प्रूनिंग की है। लेकिन अभी प्रूनिंग करने के बाद मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि शायद मैंने इस प्लांट पे कुछ ज़्यादती कर दी है। तो मैं सही हूँ या गलत हूँ प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी। हैप्पी गार्डनिंग।